मस्तिष्क और रीढ़ की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम डॉक्टर सचिन तोमर, मस्तिष्क व रीढ़ के विशेषज्ञ व सर्जन। फिनिक्स स्पाइन एवं न्यूरो सर्जरी सेंटर मेट्रो प्लाजा के निकट मेरठ मॉल में स्थित, दिल्ली रोड मेरठ। मेरठ किठौर विधानसभा सीट पर प्रत्याशी के रूप में भाजपा ने एक बार फिर से मौजूदा विधायक सत्यवीर त्यागी पर अपने भरोसे की मोहर लगा दी है। सत्यवीर त्यागी के नाम की घोषणा होते ही कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। तमाम लोगों ने उनके विधानसभा क्षेत्र से आकर उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने पर बधाई देते हुए जीत के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विधायक सत्यवीर त्यागी ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने ऐसे तमाम कार्य कर दिखाए हैं जो पहले की सरकार सोच भी नहीं सकती थी। अयोध्या में श्री राम मंदिर, जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटाया जाना मजबूत सरकार के मजबूत उदाहरण है। योगी सरकार ने भी प्रदेश में विकास को द्रुत गति दी है। तमाम ऐसे एक्सप्रेसवे बन गए हैं जो इस बात का गवाह है कि योगी व मोदी सरकार में देश प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। इस मौके पर विधायक सत्यवीर त्यागी ने फर्स्ट बाइट से यह वार्ता की। मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर दूसरी बार मौका देने का काम मुझे किया है। मैं उनकी बहुत 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 धन्यवाद करता हूं और उनको बधाई देता हूं। कितनी सीटों पर आपको लगता है बीजेपी कितनी आंकड़ा कर देगी? देखिए, बीजेपी की अंडर करंट इस बार आंधी चल रही है और उस आंधी में 350 पार मुझे लगता है। देखिए, मुझे लगभग 35-40 साल राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। मैं भी सूंघ के बता देता हूं कि कहां हवा जा रही है। निश्चित तौर पर इस बार जो है पहले से भी बड़ी आंधी चलने वाली है और चल रही अंडर करंट है, और निश्चित तौर पर 350 से ज़्यादा सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की डबल इंजन की जो सरकार है वो इतनी तेज़ी से दौड़ने जा रही है कि कोई उसको कहीं भी जो है उसका कहीं मुकाबला होने वाला नहीं है। जैसे गट्टे पे आती है ना, तमाम पार्टियां उस तरह से आने वाली हैं। विधायक जी, एक चीज़ बताइएगा, जितने भी कार्य हुए हैं कार्यों का थोड़ा सा बता दीजिए। कितने कार्य आपने कराए? देखिए, कार्य है जहाँ तक हमारे क्षेत्र में हुए हैं, सबसे पहला तो डार्क जोन की समाप्ति हमारे यहाँ से हुई। वो हमें लगता था कि हमारे किठौर विधानसभा क्षेत्र का ही ये समस्या है, लेकिन ये समस्या पूरे प्रदेश की समस्या थी और ये 25 साल से इस समस्या का किसी ने संज्ञान नहीं लिया। यहाँ के जो पूर्व मंत्री, कई बार यहाँ विधायक रहे, मंत्री रहे हमारे से पहले, उन्होंने जो है किसी किसान के बारे में ये नहीं सोचा कि जिन किसानों के ट्यूबवेल के कनेक्शन यहाँ नहीं मंजूर हो रहे उनके बारे में क्या किया जाए। जब हम क्षेत्र में जाते थे, हम नए पार्टी में आए थे और हम क्षेत्र में जाते थे, तो ये समस्याएं हमारे सामने आई कि भाई डार्क जोन में क्षेत्र है और हमारे कनेक्शन नहीं हो रहे। तो हमने तभी प्रण कर लिया था कि जिस दिन हमें हमारे जनता जनार्दन और हमारी पार्टी मौका देगी, हम विधानसभा में पहुंचेंगे, तो इस सवाल को हम सबसे पहले उठाने का काम करेंगे। ये मसला हमने सबसे पहले उठाने का काम किया। काली नदी की सफाई हमारे यहाँ कभी नहीं हुई थी। 500 साल से काली नदी को लोग बता रहे थे, कभी इसकी सफाई की शुरुआत नहीं हुई। उसकी शुरुआत कराने का काम हमने और हमारी सरकार ने किया। मैं इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी को, अपनी सरकार को बधाई देता हूँ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।